हेलो फ्रेंड, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। और मैं हूं रोशन कुमार। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेखा गणित पे, जो राम सिंह यादव की किताब में जो रेखा गणित है उसको जो है सॉल्व करेंगे। एक क्लर्क का है पेपर, इसमें जो है आप यदि आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन कुछ का भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो वीडियो है महत्वपूर्ण ही रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है कि चित्रानुसार एक्स का मान ज्ञात करें। ये जो चित्र में दिया हुआ है उसका एक्स का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आकार होता है तो उसके बाहरी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। चाहे वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, त्रिभुज हो, कुछ भी हो, उसके क्या होता है कि बाहरी भुजाओं का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक्स, 80, 50, 120 के योग कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ये ना चतुर्भुज है तो चार गो कोण है और इसका योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 80 या 50, 130, 120 कितना हो गया, 2,500। तो एक्स प्लस 2,500 डिग्री बराबर 360। तो एक्स का मान कितना आ गया, 360 माइनस 2,500, एक्स का मान कितना हो गया, 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया तो 1। हमें पता चल गया कि जो एक्स का वैल्यू है वो कितना है, 110 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी त्रिभुज का एक कोण बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर है। कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज का जो एक कोण है वो बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर है, तो बताएं कि वो त्रिभुज कैसा होगा। तो यहां पर देखिए, कोई एक ऐसा त्रिभुज है तो उसमें कह रहा है कि एक कोण जो है वो बाकी के दो कोणों के योगफल के बराबर है। ये कब पॉसिबल है, जब ये क्या हो जाए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 90 डिग्री हो जाए तभी ना ये दोनों के योगफल के बराबर ये हो जाएगा, ये 45, ये 45, तो ये कितना, 90, या ये 30, ये कुछ रहेगा तो ये कुछ होगा। तो यहाँ पे देखिए वो कैसा त्रिभुज होगा, न्यून कोण होगा। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, यहाँ तो हो नहीं सकता है। दूसरा है समकोण त्रिभुज। तो हाँ, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण जो है बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज वो क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसको तीनों भुजा बराबर नहीं होता है वो क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहा जा रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है। पूछा जा रहा है कि जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज मतलब क्या, जिसका चार भुजा हो, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है हमसे पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, आप अंतः कोणों का योग का सूत्र जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं अंतः कोण, बाह कोण, प्रत्येक कोण निकालने के लिए, तो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बहुभुज का, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही देखिएगा। देखिए जैसे मैं, क्या है, चतुर्भुज है, इसका क्या है, चार वो कोण है, अंतः कोणों का योग पूछा जा रहा है, ये कोण, ये कोण, ये कोण और इस कोण, यही कोणों का योग पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि अंतः कोणों का जो सूत्र होता है n माइनस 2 अगुना 180 डिग्री, और बाह कोणों का योग हमेशा जो होता है वो 360 डिग्री होता है। बाह कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछा है, अंतः कोणों का योग, यहाँ नहीं दिया कि अंतः कोणों का योग, लेकिन चारों कोणों को कह रहा है तो मतलब कि अंतः कोणों का योग। अब यहाँ पे देखिए, चतुर्भुज मतलब क्या, भुजाओं की संख्या क्या है, चार, मतलब कि एन का वैल्यू चार है। तो 4 - 2 गुना 180 डिग्री, यहाँ पर कितना हो गया, 2 - 180 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में, कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण सी इक्वल टू 3 कोण बी इक्वल टू 2 कोण ए प्लस बी है, तो ए बी और सी के कोणों का मान क्या होगा। हमसे कहा जा रहा है कि कोण सी जो है वो बराबर है 3 कोण बी के, और ये बराबर है 2 गुना कोण ए प्लस बी के। तो हमें पूछा जा रहा है कि बता दीजिए
कि कोण ए कोण बी और कोण सी का मान कितना होगा। तो देखिए यहां पे क्या करिए, इसको कोण सी इक्वल टू थ्री कोण बी इक्वल टू टू कोण ए प्लस बी, ठीक है। अब यहां पे क्या करिए कि तीन दो और एक है, तो तीन दो एक का लसा कितना होता है छह, इसको क्या करिए कि छह से भाग दे दीजिए, तीनों को क्या करिए छह से भाग दीजिए, इसको बराबर कर दीजिए x के। अब यहां से देखिए आपको कौन सी का मान कितना मिल जाएगा, छह गुना x छह x, यहां पे क्या होगा तीन से छह दो बार में कट जाएगा, दो से ये छह तीन बार में कट जाएगा, तो कौन b का मान कितना मिल गया 2x मिल गया। अब कौन a प्लस बी का मान कितना मिल गया, कौन a प्लस कौन b का मान कितना मिल गया 3x। क्या आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होता है 180 डिग्री। आपको यहां से कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना दिया है 3x, रखिए 3x प्लस कोण सी का मान कितना है 6x है 6x बराबर 180 डिग्री, कितना आ गया 9x इक्वल टू 180 डिग्री, 9 से 20 बार में कट गया तो x का मान कितना आ गया 20 डिग्री। अब यहां से देखिए आपको x का मान मिल गया 20 डिग्री, तो क्या यहां से कोण b का मान कोण c का मान और कोण a का मान नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां से देखिए कोण a प्लस कोण b बराबर क्या है 3x है, कोण b का मान 2x है, तो कोण a का मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा, कोण a प्लस b का जगह पे 2x इक्वल टू 3x, तो कोण a का मान कितना हो गया x हो गया, x का मान कितना आया 20 डिग्री आया, तो यहां से पता चलेगा कि कोण a जो है वो 20 डिग्री है, ठीक है। कोण b क्या है 2 गुना x है, 20 का दुगुना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 2 गुना 20 डिग्री, तो यहां पे मिल गया कि कोण b जो है वो कितना है 40 डिग्री है। अब देखिए कोण c क्या है 6x है, x का मान कितना है 20 डिग्री है, तो कोण c का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री। तो यहां पे देखिए 20 40 120 कौन सा ऑप्शन में है, तो 20 40 120 ए ऑप्शन में सही है, तो यहां पे जो है ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी बराबर है एसी के। एक त्रिभुज एबीसी है, जैसे मैं देखिए आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, भुजा एबी बराबर एसी है, जो भुजा एबी है उतना ही बराबर है एसी, तथा कोण बी इक्वल टू 80 डिग्री, आइए जो कोण बी है वो कितना है 80 डिग्री, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कोण सी का मान बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि दो भुजा आपस में समान है तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, यदि दो भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है बराबर होता है। क्या है, ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण क्या होगा बराबर होगा, इस भुजा के सामने कोण कितना है 80 डिग्री, तो इस भुजा के सामने भी कोण कितना होगा 80 डिग्री होगा। तो हमसे पूछा गया क्या कौन सी का मान, तो कौन सी का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। अब एक बात बताइए, यहीं पे आपको कोण ए का मान पूछ देता तो क्या होता, कोण 80 कितना 160, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में से 160 घटा देते तो 20 डिग्री। तो हमसे पूछा जाता कि कोण ए का मान बताइए, तो कोण ए का मान कितना हो जाता 20 डिग्री हो जाता, लेकिन हमसे तो कोण सी का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये बात एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि यदि दो भुजा आपस में बराबर है तो उसका आपस में जो कोण भी होगा वो क्या होगा बराबर होगा, आमने सामने का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक समअष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है। कहा जा रहा है कि एक समअष्टभुज में दो भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है। तो एक बात देखिए, अष्टभुज मतलब समझ रहे हैं दो आठ भुजा, अष्टभुज मतलब आठ भुजा, और दो भुजाओं के बीच का कोण, जैसे में एक त्रिभुज है तो दो भुजाओं के बीच कोण मतलब समझ रहे हैं ये कोण और ये कोण के बीच का जो कोण है ना वही कोण पूछ रहा है। तो जैसे मैं अष्टभुज है क्या वैसा ग्राफ इस तरह से होगा, हो गया ना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ भुजा हो गया। हमसे पूछ रहा है कि इसके बीच का जो ये कोण है, चाहे ये कोण चाहे ये कोण चाहे ये कोण ये कोण चाहे ये कोण, कोई भी एक कोण का हमें मान पूछ रहा है। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कि प्रत्येक कोण या दो
भुजाओं के बीच का कोण निकालने का जो सूत्र होता है एन माइनस टू बटा में एन अगुना 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अष्टभुज है तो भुजाओं की संख्या कितना है, तो 8 है, तो यहाँ पे एन का मान कितना है 8 है, 8 पुट करिए, 8 माइनस टू बटा में 8 गुना 180 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया 6 बटा 8 गुना 180, 2 से 3 बार में है, 2 से 4 बार में हो गया, 4 से ये कटेगा, 4 से 16 बच गया 20, 4 5 20, 45 किया कितना होता है, 45 किया 135 होता है, तो यहाँ पे पता चल गया कि दो भुजाओं के जो बीच का कोण है वो कितना है 135 डिग्री है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है, और ये सूत्र आपको एकदम मरते दम तक याद रखना है कि दो भुजाओं के बीच का कोण पूछे तो क्या करना है एन माइनस टू बटा में एन गुना 180, ये क्या है आंतरिक कोण निकालने के लिए है, ये बाह्य कोण निकालने का सूत्र नहीं है, और ज्यादा इसको बहुभुज पे आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो बहुभुज के वीडियो को आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन है कि चतुर्भुज एबीसीडी में एक चतुर्भुज है जो कि एबीसीडी है, ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है एवं बी सी बराबर सी डी है एवं ए सी बराबर बी डी, तो चतुर्भुज एबीसीडी पूछा जा रहा है, इसको फिगर से देखिए, जैसे मैं आपको फिगर में दे दिया क्या चतुर्भुज एबीसीडी है, चतुर्भुज मतलब क्या चार भुजाओं से बना हुआ, तो इसको करीब हम पार दिए इस तरह से, यहाँ पे हमें पता नहीं है कि ये क्या है, आयत है कि आया था कि वर्ग है कि समलंब चतुर्भुज या कुछ और है, यहाँ पे देखिए क्या है ए बी सी डी, ए बी बराबर है बी सी के बराबर सी डी के, ये भुजा बराबर है ये भुजा बराबर है, ये भी क्या होगा बराबर ही होगा क्योंकि आमने सामने का भुजा है तो बराबर ही होगा, एवं बी सी बराबर है सी डी के, ये जो बी सी है ये बी सी वो बराबर है सी डी के, ये भी दे दिया है, एवं ए सी बराबर बी डी के है और ए सी जो है वो क्या है बराबर है बीडी के, यहाँ पे दो बार एक ही पॉइंट हो गया, ठीक है, एवं एसी जो है वो बराबर है बीडी के, ये एसी और ये बीडी क्या है आपस में बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो पूछा जाए कि चतुर्भुज एबीसीडी क्या होगा, अब एक बात बताइए आप कहीं पढ़े हैं कि यदि चारों भुजा जिसका बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो क्या होता है वर्ग होता है, यहाँ पे क्या होगा कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि आमने सामने का भुजा बराबर है और क्या हो इसका विकर्ण भी बराबर है तब कहेंगे कि वो आयत होगा, लेकिन जब चारों भुजा भी बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो हम कहेंगे कि वो क्या होगा वो वर्ग होगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में, ये जो आरेख दिया गया है इसमें ए बी बराबर है ए सी के, क्या है कि जो ए बी है वो बराबर है ए सी के, मतलब ये दोनों भुजा क्या है आपस में बराबर है, और कोण बी ए सी 40 डिग्री है, क्या है कोण बी ए सी, तो जो बीच वाला होता है वही ये एंगल दिया है ए बराबर 40 डिग्री है, ये जो एंगल है वो कितना है 40 डिग्री है, ठीक है कोण दिया है 40 डिग्री, तो कोण ए डी सी, कोण ए डी सी मतलब ये डी प्लस कोण डी ए सी में ए, इसका मान जो है हमें पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो यहां पर देखिए जब दो भुजा बराबर है तो इसके आमने सामने का कोण भी क्या होगा बराबर होगा, यदि ये 180 डिग्री होगा तो ये भी 180 डिग्री होगा। अब एक बात बताइए त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, अब एक बात बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, मतलब कि 40 डिग्री प्लस एक्स ये कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, होगा यहां से क्या देखिए 2x बराबर 180 में से इधर जाएगा 40 तो कितना बचेगा 140 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया 2x बराबर 140 है तो x का मान 70 डिग्री, हमें पता चल गया कि ये दोनों कोण कितना कितना है तो 70 डिग्री है। अब एक बात बताइए ये जब 70 डिग्री है तो कोई भी रेखा, ये जो रेखा है जैसे मैं ये ठीक है ये एक लाइन है, अब ये कितना डिग्री का टोटल कोण बनाता है 180 डिग्री का बनाता है, तो जब ये 70 डिग्री हो गया तो ये कोण कितना होगा 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण मिला के कितना बनेगा 180, कोई भी रेखा जो होता है 180 डिग्री का ही कोण बनाता है, तो ये पता चल गया कि 110 डिग्री होगा, होगा ना, तो यहां पे बताइए जब ये 110 डिग्री होगा तो ये कोण और ये कोण कितना होगा, त्रिभुज ए डी सी में हम देखें तो कोण ए डी सी प्लस कोण डी ए सी
प्लस ये कौन सी जो है हमें तो पता ही है कितना है 110 डिग्री। ये तीनों कितने का बराबर होगा 180 डिग्री के। जब हम क्या किस में देख रहे हैं त्रिभुज ए डी सी में, तो यहां पे देखे कौन ए डी सी प्लस कौन डी ए सी का मान कितना होगा 180 में से 10 जाएगा तो 70 डिग्री, 110 80 डिग्री है। तो यहां पे पता चल गया कि ये जो दोनों कोण है इस कोण और इस कोण का मान क्या योग कितना होगा 70 डिग्री होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन में है ये सी ऑप्शन में जो दिया है यहाँ पे 70 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी नहीं सी ऑप्शन में दे दिया है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज में तीन कोण 100 डिग्री 48 डिग्री व 92 डिग्री है। हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है और जिसमें एक कोण 100 डिग्री है, दूसरा कोण 48 डिग्री है और तीसरा कोण कितना है 92 डिग्री है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि चौथा कोण ज्ञात करो, ठीक है। तो एक बात बताइए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हम तीन कोण तो पता ही है, चौथा कोण को मानेंगे कि x, तो चारों का कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे कहेंगे कि 100 डिग्री प्लस 48 प्लस 92 प्लस x ये कितने का बराबर होगा 360 डिग्री बराबर। जोड़ लीजिए 8 2 10 कैरी बच गया कितना 1 4 1 5 9 14 के 1 कैरी 1 2 कितना आ गया जोड़ने पर 240। तो 240 प्लस x बराबर है 360 डिग्री के, यहां से x का मान कितना आ गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है। एक त्रिभुज है जिसका दो कोण क्या है 30 डिग्री और 105 डिग्री है, तो हमें पूछा जा रहा है तो यहाँ पे चौथा कोण ही तीसरा कोण होगा, क्योंकि त्रिभुज के क्या होता है तीन ही कोण होता है, तो पूछा जा रहा है तो तीसरा कोण ज्ञात करो, तीसरा कोण ज्ञात करो। तो यहां पे देखिए, अब एक बात बताइए, यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये कैसा कोण होगा त्रिभुज होगा, तो अधिक कोण त्रिभुज होगा, क्यों, क्योंकि एक जो यहाँ पे एंगल है वो क्या है 90 डिग्री से बड़ा है। तो यहां पे देखिए त्रिभुज है जिसका दो कोण आपको दे दिया 30 डिग्री 105 डिग्री। एक बात, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे 30 डिग्री प्लस 105 डिग्री तीसरा कोण नहीं पता है x, ये तीनों किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, 105 या 30 135 प्लस x बराबर 180 के, तो x का मान कितना आ गया 180 माइनस 135। और एक बात बताइए, 180 में से 135 को घटेगा तो कितना बचेगा 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो 45 डिग्री। तो कितना आ गया तीसरा कोण कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।